नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 25 दिसंबर तक बकाया डीए भुगतान का आदेश हो गए हैं जारी, जाने किसका कितना बनेगा एरियर। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, नए साल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे रही है अपने कर्मियों को बहुत बड़ा तोहफा। केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले केंद्र सरकार ने 31% महंगाई भत्ते की अनुमति दी थी और अब जल्द एक और बड़ा ऐलान होने वाला है। खबरों में मानी तो क्रिसमस से पहले इस मुद्दे पर कैबिनेट सचिव के साथ बैठक हो सकती है। बताया जा रहा है कि डीए बकाए को लेकर नेशनल काउंसिलिंग ऑफ JCM कार्की प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत हुई थी। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इसके बावजूद कर्मचारी संघ डीए बकाया राशि की मांग कर रहे हैं और यह भी मांग कर रहे हैं कि 18 माह से अटके डीए के एरियर का एक मुफ्त भुगतान किया जाए। यह भी उम्मीद है कि दिसंबर में इस मुद्दे पर कैबिनेट सचिव के साथ 18 महीने के डीए बकाया का एक मुफ्त निपटान करने पर चर्चा की गई है। अब केंद्र सरकार को 18 माह के डीए बकाया को लेकर अंतिम फैसला करना है जिसे कर्मचारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अगर केंद्र सरकार इस पर हरी झंडी देती है तो कर्मचारियों के बैंक खाते में बड़ी रकम आएगी। इससे पहले केंद्र सरकार के डीए को बढ़ाकर 31% कर दिया था जिसका लाभ केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मिल रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के तहत 2.57% वेतन मिल रहा है। अगर इसे बढ़ाकर 3.68% किया जाता है तो वेतन में न्यूनतम 8,000 रुपये की वृद्धि होगी। अगर किसी की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है तो 8,000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 26,000 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा जनवरी 2022 में एक बार फिर डीए बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में डीए वेतन बढ़ने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने जनवरी 2022 से 5.24% महंगाई भत्ते के भुगतान को मंजूरी दी थी। वित्त विभाग की ओर से सोमवार को इस आशय का आदेश जारी किया गया था। कर्मचारी को डीए के भुगतान 1 जुलाई 2019 से लंबित है। जहां डीए का भुगतान जनवरी 2022 के वेतन के साथ नगद में किया गया था, वही जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक के डीए का भुगतान के खाते का बकाया जमा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने आज 6वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार लगभग 2 लाख कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान को मंजूरी दे दी है, जिसे सरकारी खजाने पर 4,000 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी 2022 में देह जनवरी का वेतन मिलेगा। सरकार पहले ही कर्मचारियों को बकाया के रूप में करीब 5,000 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत दे चुकी है। नई पेंशन योजना में सरकार को अपने योगदान के रूप में 260 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। लगे हाथे उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी नए साल से पहले राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। सातवें वेतन आयोग वाले राज्य कर्मिकों को जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान वाले कर्मिकों को भी 1 जुलाई से बड़े दर पर महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।